ज्यादा ही गहराई में सोच के देखे तो हम दोनों इधर बना रहे आज हमारा खाना ऑल इंडिया क्या ऑल में पूरा 30 में सुपर टेस्ट मिलने के लिए। लेकिन और लोग क्यों रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे अगल बगल ऐसे भी प्राणी रहता है सती सावित्री रखते हैं, नाम नहीं बताऊंगी, पीछे से दिखाऊंगी कौन है आप लोग। धमाका बारिश का। आप सोच रहे होंगे इतना सारा सामान है यही दिखा रहे, ये नहीं और भी है सबर के लिए। ये हमारा टुनटुन है, गाड़ी खुद रखा है और इतना जगह ढूंढा, हर एक कबर्ड खोल के देखा, लास्ट में इधर मिला। देखो इसको भी याद आया, फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रखा है। ये है ऐसा होता है बच्चे हमारा, ठीक है। क्यों रखा है अंदर, क्यों रखा है अंदर है टुनटुन, क्यों रखे हो अंदर बताओ, नहीं बताएगा। आइस बन गया बोला है, आइस बन गया। इधर दिखा मुँह, हेलो गाइस बोलो, मैं हूँ गाड़ी आइसरमैन बोलो। ऐसा करते हैं बच्चे। अभी पूरा ठंडा ठंडा खेलो, हाँ ठंडा ठंडा खेलो, फ्रिज में खुद छुपा के रखोगे मामा को परेशान करोगे ना। हाँ कौन सिखाता है ऐसे काम करने, और इधर से पानी गिरेगा ना। ए सेहरा दिखाओ अपना, हाय गाइस बोलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और अभी टाइम बज चुके हैं 4:30 PM और इधर मैं बैठी हूँ आप लोगों से साथ बात करने के लिए। तो सबसे पहले बताती हूँ, इस हफ्ते मेरा जो तबीयत है बहुत ही ख़राब है। मेरा क्या बताऊँ, 2-3 दिन मैं हॉस्पिटल में गई, ब्लड टेस्ट की, फिर विटामिन डी टेस्ट की, रिपोर्ट आया हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है और विटामिन डी भी कम है, इसलिए मेरी बार बार चक्कर आ रहे थे। तो अभी खाना पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे खाते हो फिर भी कमी हो जाते हैं क्या बताओ। और कल हम लोग गए थे दुकान में, हाँ दुकान में मतलब किताबों के दुकान में। और क्यों गए थे सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ, कोई भी काम सीखो, कोई भी मतलब कोई भी पढ़ना तो पड़ता ही है ना। तो जैसे कि पहले वाला ब्लॉग में दिखा ही सकती आप लोगों को कितना फाइल लिखी थी, और फाइल लिखने के बाद डिजाइन भी करना बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और इतना बड़ा भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा से ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट है। ये देखिए मैंने फाइल तो बना लिया, इधर लगा भी दी, लेकिन क्या बताओ ये जो है ना जहाँ पर लगा है निकल सकता है, निकल सकते हैं। तो इसीलिए इसकी सेफ्टी के लिए ही मैं कुछ लाने गई थी, और वो है इसको क्या बोले लेमिनेशन क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं है क्या बोलते हैं। कोई भी पेपर को इस के अंदर रखोगे तो पेपर बहुत दिन लास्टिंग करेगा। फाइल भी फाइल के साथ ही लाने के लिए गए थे कल हम लोग, पुस्तक में वो लेके आए। और जैसे कि स्कूलों में आप पहले मेन बुक से पहले लेटर्स अल्फ़ाबेट मात्राएं पढ़ते हो, उसी तरह कोई भी चीज़ में भी बेसिक होता है, सब ब्यूटी पार्लर हो सा है कंप्यूटर हो कोई भी चीज़, अगर बेसिक आप पहले अच्छी तरह सीख नहीं लोगे उसके एडवांस कैसे सीखोगे, है कि नहीं। अगर पहले अल्फ़ाबेट ही आप नहीं पहचानोगे तो रीडिंग कैसे करोगे, बड़े बड़े बुक कैसे पढ़ोगे, है कि नहीं। तो उसी की तरह हमने बेसिक सीख लिया ब्यूटी पार्लर के, और बेसिक में सिर्फ बेसिक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखा है हम लोगों ने, और फाइल भी बहुत बनाई है। तो फाइल को अच्छी तरह सेफ्टी करके रखने के लिए ये सब लाई हूँ, अभी फाइल के काम में लग जाती हूँ। तो बाय बाय, मैंने मेहंदी भी बनाई थी करने से, तो ये सब करना है। क्या हुआ, आ गया। अच्छा आपको पोटी आ गया, चलो मामा मुझे ओके ओके आ रही आ रही, बच्चे को बोलो। फिर से बारिश शुरू हो गई दिल्ली में, जो पहले का बारिश कितना तबाही मचा रखा है फिर से बारिश आ गए, देखो कितना खतरनाक बारिश आ गया है। और इस बारिश के मौसम में बाहर तो आना पक्का है, वहीं से देखे बच्चे भी गीले गीले हो रखे हैं। It's
इतना खतरनाक, फिर डूबेगा दिल्ली। बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई, मैं फाइल आधा बना के ही बाहर आ गई मेघा के साथ बारिश में रील बनाने, दोनों ने मिल के रील बनाई। इधर देखो कितना बारिश हो रखा है और नीचे सब लोग मज़े ले रहे बारिश में भीग भीग के। देखिए ना नीचे कितना लोग भरा है आके, मतलब बारिश में खेल रहा है, इधर स्विमिंग पूल जैसा हो गया है और यह हमारे कैंपस के अंदर पूरा पानी पानी भर गया है। और इसी बारिश के बीच में हम दोनों इधर ऊपर ही बेलकोनी में ही हम दोनों ने रील बनाई और लक्ष्मी ने पकौड़ा बना के लेके आई थी, मेघा ने चाय बनाई और मुझे बुलाई खाने के लिए। मैं आ गई, मैं तो खाने के लिए आई। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और ये देखिए आसामी सिंगर दीपलीना डेका, वो इसके ही गाना सुन रही थी। और आज संडे है, जैसे कि मेरी तरह हर लेडीज़ का लेट होता है ना नहाना संडे के दिन में, क्योंकि संडे में पूरे हफ्ते का कपड़ा, स्कूल का कपड़ा, बाथरूम किचन सब साफ करना होता है। और साफ करते करते हमारा सब भी काम लेट हो जाते हैं। अभी बज चुके हैं 1 बजने ही वाले हैं। हस्बैंड जाएगा 1:30 बजे। अभी जाती हूँ खाना बनाने। खाना बनाने से पहले याद आया आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी मेरा तबीयत ठीक है, जो चक्कर आ रही थी वो भी ठीक हो गया। अभी अभी नहा के आई हूँ क्योंकि साफ सफाई में ज़्यादा लेट हो गई। और लेट तो उठी नहीं, जल्दी उठी थी, 7 बजे उठी थी, लेकिन इतना काम था, काम करते करते लेट हो गया। और हमारे लेडीज़ का ही होता है ना, अभी बाल गीली है, अभी बाल खोल के अगर खाना बनाने जाऊँगी पूरी बाल नहीं, 1-2 बाल तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा खाने के ऊपर, उससे ऐसे इसको बांध लो। और तो हमारे लेडीज़ का यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे बाल धोने के बाद इसको अच्छे से सुखाने के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। अभी इसको डायरेक्ट बांध के जाऊँगी किचन में, अगर बाल गिरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो सबका यही हाल है, तो बाल इसीलिए सड़ते हैं। बाल सुखाने से पहले अगर आप इसको बांध के रखोगे तो भी बाल सटा है, बाल को अच्छी तरह सुखाना चाहिए। क्या बताओ, टाइम पे सब लोगों को खाना देना होता है, खुद खाओ या ना खाओ। अभी तो बनाने जाऊँगे, आधा घंटा बसा है, तो आधा घंटे में मेरा हो जाता है। एक साइड में मैं दाल बनाऊँगी, एक साइड में चावल, और दाल और चावल पकते पकते मेरा सब्जी भी काटना हो जाएगा। तो सटी हूँ, अभी थकी भी हूँ, ऐसे वेटनेस है, बहुत ज़्यादा वेटनेस है, चाहे वेटनेस हो चाहे जो भी हो, मेरा ड्यूटी किचन में है, घर में तो करना तो पड़ेगा ही ना, हर लेडीज़ का होता है रे ऐसा, है ना। लेकिन मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो चलती हूँ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आज बहुत ही मतलब मौसम अच्छा है, पहले से बारिश नहीं हो रखा है बाहर। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, और क्या बताओ, दिल्ली में तो बाढ़ होके रखा है। सोचती हूँ देखने जाऊँगी, लेकिन क्या खाना खाया है। एक काम था, टुनटुन आ गया, सहेली सहेला भरत किधर गया, भरत भरत बोल रही। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नागिन कैसे सोती है और सोने के साथ क्या क्या सामग्री लेती है साथ लेकर। ये रिका फैन घूम रहा है और आप भी अपना सिर कस के पकड़ के रखिए, आप लोगों का सिर भी घूमने वाला होगा तुरंत जब ये नागिन का नज़ारा देखोगे। तो सबसे पहले दिखाऊंगी, ये है नागिन, सो रही है और पास में रहते हमेशा ये गोली और ये पानी का बोतल और ये थ्रेड प्लाका, ठीक है। और ये क्यों रखते हैं वो भी कहानी है, बाद में बताऊंगी। ये नागिन सो रही है, हो गया। आप सोच रहे होंगे इतना सारा सामान है यही दिखा रहे हो, ये नहीं और भी है, सब्र करिए, सब्र कीजिए, 1 मिनट अब ये दिखाऊंगी। ये देखिए एनी टाइम इसका छोटी सी पास कभी बंद नहीं रहेगा, खुला का खुला ही रखना है। ये देखिए लिप बेस, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या है, बोरोप्लास, ये क्या है वही जाने।
ये देखे इन्हीं टाइम रहेगा जो भी छोटी है, और उसके नीचे रहेगा उसकी वॉच, और रहेगा ये पाउडर कोई भी कुछ भी हो, ऐसे सामान लेके ये छोटी है। और कोई इसका सेन अगर बंद करके जाएगा तो नागिन तांडव कर देती है, ठीक है, ऐसा होते हैं नागिन। और कैसा लगा बताना, नागिन को ऐसे रखना मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ा मुश्किलों का पहाड़ है, ठीक है। और इसका सामान ये जैसे लाकर इधर रखे ना, इससे थोड़ा हिला के रखोगे तब भी इसको पता चलता है, इसलिए हम नहीं हिलाए, ऐसा था ऐसे ऐसे है। बस अभी आज के लिए इतना ही, बाय बाय डे। ये है आलू और अरबी, और इसको सबसे पहले मैंने बॉईल करके ली हूँ, और एक कढ़ाई में प्याज लहसुन अदरक करी पत्ता डाल के पका लिया है। और यहाँ पे ही मैं डालूँगी जो बॉईल कर ली थी आलू और अरबी, और साथ में ये डालूँगी फ्राई किया हुआ फिश जो पहले ही मैंने फ्राई करके रखी थी, और इसको अच्छी तरह पकाऊँगी, और जब खाने लायक हो जाएगा तब खाएँगे। तो कोई कभी कभी दाल के बिना भी हम लोग खाते हैं, और ऐसे खाने में भी मज़ा आता है, तो आप लोग कभी ऐसे खाते हो क्या पक्का बताना, ठीक है। नागिन मॉर्निंग ड्यूटी गई थी और आ गए, और आने के बाद टुनटुन का हमेशा मतलब आदर हो गया है मौसी क्या लाई है, तो मौसी कभी कभी बिस्किट कभी कभी नमकीन लेके आते हैं टुनटुन के लिए। आज एक केक लेके आई थी, और केक की हालत क्या क्या जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो केक को क्या क्या है। तो टून टून हमारा कुछ भी खाने का चीज़ के कुछ भी सेटनाश कर सकते हैं। अभी ये सब मतलब गंदा करके एक प्लेट में डाल के फ्रिज में रखे और इधर उधर फटक रहे हैं। हमारा बड़ा बेटा अभी पढ़ रहा है, और हमारा नागिन अभी ये है, पता नहीं किस मूड में है, इससे डरे नागिन पूरा आईफोन दिखा रही है हमको, ठीक है। और इधर दोनों बाप बेटो टीवी देख रहे हैं, ये है छोटू और ये है हमारा बड़ा बेटा। और हमारे घर में मेहमान आए हैं, जब भी ये मेहमान आते हैं मैं तो खाना बनाने के लिए बोलती हूँ, आज भी बना रही है, ये हमेशा ऐसा करती हूँ, जब भी आती है मैं खाना बनाने देती हूँ। ये बोले नया नहीं पुराना हो गया, बहुत बड़ा हमारे घर में खाना बनाती है तो अच्छा लगता है, लेडीज आते हैं इसलिए आसान होते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, आज खाना डबल डबल टेस्टी होगी। और ये जो बनाई है ना, इसका क्या बताओ, इसका रेसिपी का प्रोसेस अलग है। शांता शर्मा आई थी ना कलर्स टीवी में, नेपाली पूरी सेम है, उसकी बहन हूँ, उसकी बहन है, सच में सच में बहन है, उसी एरिया की है, तेजपुर की है, तो सोचिए ऑल इंडिया में नेपाली लोग और सैकिया सैकिया हमारे जैसा ही है, सेम कास्ट की है, तो दोनों मिल के बनाए तो कितना डबल टेस्ट होगा। एक मिनट रुको, फिर बंद कर देती हूँ। शांता शर्मा और नयनज्योति सैकिया कलर्स टीवी में ना, कहाँ पे आई थी, मास्टर से मास्टर हाँ सोनी टीवी में आई थी मास्टर शेफ, जो फाइनलिस्ट है शांता शर्मा और नयनज्योति सैकिया। शांता शर्मा नेपाली थी जो इनकी कास्ट की थी, और नयनज्योति सैकिया जो आसामीज थी वो हमारे कास्ट की थी, तो दोनों ही फाइनल में पहुंच गए थे। तो आज सोचू थोड़ा ज़्यादा ही गहराई में सोच के देखिए, तो हम दोनों इधर बना रहे आज हमारा खाना ऑल इंडिया क्या ऑल में पूरा 30 में सुपर टेस्टी होगी। अगर किसी को खाना है तो जल्दी जल्दी आइए, और जब लोग आप वीडियो देखोगे जिसको खाना है कमेंट करिए, हाँ, और जब तक आप लोग वीडियो देखोगे तब तक खाना हमारे पेट में जाके हजम होके पूरा खून के नस नस में चले जाएंगे। फिर भी बता रही हूँ कभी खाना है तो हमको पहले से ही कमेंट करके बताइए, हम पक्का बना के खिलाऊंगे, ऐसा मतलब मास्टर शेफ वाला खाना पक्का आना, ठीक है। हमारा चेहरा मत देखिए, हुलिया मत देखिए, खाना दिखाइए, अभी दिखाती हूँ, एक मिनट दिखा रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र नहीं सब्र कीजिए, हाँ हमारा हिंदी बहुत ही बकवास है फिर भी हम बोलती हूँ, ठीक है। जो मास्टर शेफ शांता शर्मा बना रही है चिकन, जो है
एकदम खतरनाक टेस्टी होगी। और जो मैं बना रही हूँ दाल, मसूर दाल, ये भी डबल खतरनाक टेस्टी होगी। ऐसे भी दाल मेरे हाथों के हर कोई तारीफ करते हैं। आप पूछ सकते हो मेघा को, खुशी को, मायना को। और मेघा खुशी कौन है वो आप लोगों का काम है, लेकिन नाम तो बता दिया ना। और देखो कितना एक्सपर्ट शेफ है, गैस पीस में ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। और आप लोग देखते रहिए, चावल तो पका लिया, देखिए ये चावल राइस, इंग्लिश में हमको इंग्लिश भी बोलना आता है, ये है राइस, राइस हैज बीन कुक। नाउ वी आर कुकिंग चिकन एंड मसूर दाल। मेरी रिपोर्ट दिखानी थी इसलिए हॉस्पिटल चले गए और वापस भी आ गए। और आने के बाद हमने क्या किया आप लोगों को दिखाते हुए, तो देखते रहिए आज का ब्लॉग। आज है मंडे और मंडे के दिन में लड़की लोग व्रत रहते हैं, रखते हैं, महादेव की आरती करते हैं अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए। लेकिन औरत लोग क्यों रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे अगल बगल ऐसे भी प्राणी रहता है, सती सावित्री रखते हैं, नाम नहीं बताऊंगी, पीछे से दिखाऊंगी कौन है, आप लोग बताना ठीक है। और इधर हम टेम्पोररी ब्यूटी पार्लर खोली हूँ, आज किसी का खोपड़ी की बाल को हम स्पा कर रहे हैं और वो दोनों हंस रही है, सुख सुख के हंस रही है, पता नहीं क्यों हंस रही है, मैं खोपड़ी बोली इसलिए हंसी, जो देसी भाषा है ना वो विलुप्त हो रखा है इसीलिए। और मैं अभी आई हूँ रिपोर्ट दिखाने गई, तो जैसे कि मेरे पहले ब्लॉग में आप लोग देख ही चुके हो कितना वॉकिंग करती हूँ, रनिंग करती हूँ। और डॉक्टर साहब ने बोला वॉकिंग करो लेकिन रनिंग नहीं करना है आप, ठीक है ऐसे बोला है। तो अभी मैं मोटी होने के चक्कर में पक्का हूँ, तो वो भी एक बीमार होगा, क्या बताओ। अभी कि कोई कोई बहुत खुश हो रखा है, मैं मोटी हो जाऊँगी, वो लोग पूरा डांस करेगा ठीक है, हाँ वो लोग पतले हो जाएगा, मुझे दौड़ने मना किया है। अभी मैं हंसू या रो, हंस लेना, बैकग्राउंड म्यूजिक। अभी दिखाती हूँ किसका खोपड़ी और कौन व्रत रखते हैं, पीछे से दिखाऊंगी, सामने से नहीं दिखाऊंगी ठीक है। रहती है ठीक है, ये व्रत रहती है महादेव की, पीछे से दिखाई। और इसकी खोपड़ी को हमने अभी स्पा कर रही है मेघा ने, इस खोपड़ी को, इस खोपड़ी के बाल, इसका बाल इधर है, ये छोटा बड़ा नन्हा मुन्हा अनेक प्रकार के बाल है, इस बाल को मैं तो इतना सा कर प्राणी रहते हैं, हाँ अजीब डर, इस छोटी छोटी बालों को ही मैं स्पा करूंगी, लंबी लंबी बालों को स्पा नहीं करूंगी ये। तो आप लोग बताना कम, जैसे कि किसी किसी ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई ही चुकी हो, हमारे कैंपस के अंदर बहुत सारा नींबू का पेड़ है और आज नींबू तोड़ के बांट रहे थे, मेघा ने बोला चलो नींबू बांट रहे, तो हम आ गए 4 बजे बाहर। और आने के बाद हमको मिल गया जगह रील बनाने की, तो हम तीनों मिलके इतना रील बनाओ, इतना गर्मी थी, मेरे मोबाइल ओवर हीटिंग हो गया। फिर रील वील बना के नींबू लेके हम लोग वापस आ गए घर। तो आज मेरे नागिन बहन किसी को इंजेक्शन दे रही थी, लेकिन मैं बहुत डर रही थी, किसी को नहीं मेरे ही सहेली है एक, उसको खानों में इंजेक्शन दे रही थी, मैं बहुत डर गई थी, आँख बंद करके ये वीडियो बनाई, ये अनमोल वीडियो बनाई जो मैं इतना डर के बनाई। आज हमारे घर में, ये हमारा घर नहीं है, लक्ष्मी की घर है, लेकिन हमारे घर में आई थी, गई नहीं अभी भी है, फिर से लेके जाने के लिए बोला है मेघा सुंदरी ने। हमारे घर में आई और एक सुंदरी जो बिल्कुल रवीना टंडन जैसी दिखती है, ये देखो मेरे सिर्फ आने का यही मकसद है कि मुझे रील्स बनाने के लिए आई है। और लक्ष्मी कपड़ा डिजाइन करके कपड़ा भी डिजाइन किया, इसके लिए बहुत ही अच्छा, जिस जो इस लेडीज ने 3 महीने से नहीं बना के दिया है, हाँ उस दिन भी कॉम्प्लेन की थी, ओ ब्लॉग डाली नहीं मैं सॉरी। और कभी हमारे रील में नहीं आती है,
वो ब्लॉक में नहीं रहता, बहुत शर्माती है, फिर भी आज शर्माई हुए चेहरा दिखा दिया। और ये उसको नहीं पैसा मिलता तो मालूम है कौन है। सुनिए सुनो, बनाते हैं हम दिन की सजावट चारों लोग। गर्मी इतना है।